यात्रियों का सफर आसान हो जाए और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचे और सुरक्षित घर पहुंचे, इसके लिए रेलवे हर दिन नए नए प्रयोग करता रहता है। इसी कड़ी में ट्रेनों की स्पीड और संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बाराबंकी से छपरा तक गोरखपुर के रास्ते तीसरी लाइन बिछाने का काम शुरू करने वाला है। रेलवे द्वारा तीसरी लाइन बिछाने का रास्ता साफ हो गया है के लिए रूट पर सर्वे कार्य पूरा होने के साथ डीपीआर भी तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद ट्रैक बिछाने का काम रफ्तार पकड़ेगा। इससे लखनऊ से गोरखपुर और बिहार के तक सीधे ट्रेनों के फराटे भरने से यात्रियों को का सफर भी सुहाना और आरामदायक हो जाएगा। बाराबंकी से छपरा रेल मार्ग करीब 425 किलोमीटर लंबा है। अयोध्या गोरखपुर के रास्ते बिहार के छपरा तक जाने वाले इस मार्ग पर 150 से ज़्यादा सवारी गाड़ी और मालगाड़ियाँ चलती हैं। इसमें लाखों यात्री सफ़र करते हैं। कुछ दिनों पहले रेलवे ने इस ट्रैक के दोहरीकरण कार्य पूरा किया था और यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत भी हो रही है। इसके लिए रेलवे तीसरी लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के एक ऑफिसर ने बताया कि नई रेलवे लाइन सरकार गठित होने के बाद पहले 100 दिनों में इसका कार्य शुरू करने की योजना है। इसी में बाराबंकी से छपरा तक तीसरी लाइन का डीपीआर भी शामिल है। तीसरी लाइन बिछने से यात्री गाड़ियों के साथ ही माल गाड़ियों के संचालन में भी सुविधा होगी। गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए अब बीच में रोकना भी नहीं होगा। इससे बिहार से बाराबंकी, लखनऊ और दिल्ली का सफ़र और आसान हो जाएगा। रेलवे ने बाराबंकी से लखनऊ के मल्होर तक करीब 25 किलोमीटर लंबे रूट पर तीसरी और चौथी लाइन बनाने का काम एक साल पहले ही शुरू कर दिया था। अभी रेलवे इन दोनों लाइनों के लिए नालों और नहरों के ऊपर पुल बना रहा है और इसके अलावा जगह जगह पर मिट्टी डाल के सतह को ऊंचा किया जा रहा है। बाराबंकी से लखनऊ के बीच तीसरी और चौथी लाइन का कार्य 2026 के अंत तक पूरा करने की तैयारी है। इसके साथ ही बाराबंकी लखनऊ के बीच पूरे ट्रैक पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम पर भी काम चल रहा है। ट्रेनों का संचालन बढ़ने से बाराबंकी रेलवे स्टेशन की क्षमता बेहतर हो, इसीलिए इसका रीडेवलपमेंट भी किया जा रहा है। इसके लिए पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का काम, अन्य सुविधा भी शुरू हो गई हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि आपके पास इस कोई अपडेट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।